चुनाव के तुरंत बाद से ही अब एग्जिट पोल में काफी सारी बातें सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। 23 मई को सातों चरणों पर जो मतदान हो चुके हैं उन चरणों का पूरा पूरा हिसाब आ जाएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। अब बात कर लेते हैं आजमगढ़ की सीट पर। दरअसल कुछ बौखलाहट है जो देखी जा रही है अखिलेश यादव के अंदर। महागठबंधन पर किस तरीके से वार किया है निरहुआ ने और साथ ही साथ किस तरीके से अपने बयानों के जरिए उन्होंने अखिलेश को काफ़ी कुछ बताने की कोशिशें की हैं। साथ ही 23 मई से पहले ही जो रिजल्ट आने वाले हैं 23 मई को, उससे पहले ही अपनी जीत का डंका निरहुआ हर जगह जहां बजा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच निरहुआ के कुछ आपको वायरल बयानों से रूबरू कराते हैं जो कि अब काफी ज्यादा ही खबरों में है। डाली नजर इस रिपोर्ट पर। निरहुआ की मानी जाए तो उनका ये साफ साफ कहना है कि अखिलेश भैया बौखला गए हैं। क्या सच में अखिलेश बौखला गए हैं? इसी बीच आपको हम ये बताना चाहेंगे कि निरहुआ ने कहा कि 23 मई को देश सभी मोदी विरोधियों को जवाब देगा। जिवेश निरहुआ ने यह भी कहा कि गठबंधन वाले चुनाव हार चुके हैं, बस 23 मई का इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। इतना ही नहीं, भोजपुरी भाषा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि आप कहीं भी किसी भी भाषा में लेखनी करें लेकिन बातचीत भोजपुरी में ही करें, एक दिन अपनी भी मातृभाषा का दिन आएगा। निरहुआ ने यह भी कहा कि चुनाव में ममता दीदी और अखिलेश भैया पूरे तरीके से हार चुके हैं, इसलिए बौखलाहट में कुछ भी बोल देते हैं। आपको ये बता दें कि निरहुआ ने हाल ही में जहां प्रचार किया था अपने ही बीजेपी प्रत्याशी के लिए, तो वहीं हाथ हिलाकर वहां पर अभिवादन किया था अपने फिल्म ग्रुप बेल्थर रोड के प्रधान संघ के अध्यक्ष आलोक सिंह को ही राजनीतिक गुरु बताया। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में भी इनके जरिए ही मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और दौर इन्होंने आजमगढ़ में पूरे एक माह रहकर मेरे चुनाव में भरपूर सहयोग करते हुए मार्गदर्शन किया। इतना ही नहीं, निरहुआ ने मंच पर आते ही मंच खचाखच भर गया था उनके मंच पर आते ही। तो वहीं मंच को असंतुलित देखते हुए संचालनकर्ता लोगों को मंच खाली करने की अपील करने लगी। तो वहीं यही नहीं, ना सुनने पर मंच से हाथ पकड़कर भी लोगों को उतारना पड़ा। वहीं नेता भी निरहुआ के साथ सेल्फी लेने को बेताब दिखाई दिए, यहां तक कि हेलीपैड तक लोग सेल्फी के लिए दौड़ लगाते रहे। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शुक्रवार को सोनभद्र के दक्षिणांचल ग्रामोदय इंटर कॉलेज भवनी परिसर में चुनावी सभा की थी और साथ ही साथ निरहुआ ने अपना दल यानी कि भाजपा निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी पकौड़ी लाल कौल के समर्थन में वोट मांगा था। इस दौरान निरहुआ ने यह भी कहा कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं, जनता जाति पाति से हटकर मतदान करे। निरहुआ ने कहा कि जातिवादी संगठन सही है लेकिन जातिवाद का दुरुपयोग ना करें। इस बीच निरहुआ ने जिस तरीके से गठबंधन की कमर पर चोट मारने की बात कही, तो वहीं आपको ये बता दें कि उनका मानना है कि गठबंधन की कमर टूट जाएगी इस बार। तो वहीं निरहुआ कह रहे हैं कि भाई पूरी बौखलाहट दिख रही है अखिलेश में और साथ ही साथ ये बौखलाहट 23 मई को सामने आ ही जाएगी। इसीलिए जिस तरीके से निरहुआ लगातार अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं निरहुआ ने अपने साथ साथ कई चारे बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए भी वोट बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब सातों चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं। जहां 542 सीटों पर मतदान हुए हैं, तो वहीं इन 542 सीटों में से एक हाई प्रोफाइल सीट आजमगढ़ की सीट पर भी रही है, जिस पर निगाहें दो दो नेताओं की रही, एक तो अखिलेश यादव और दूसरे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही अब देखते हैं कि आखिरकार क्या निरहुआ को जीत हासिल हो पाती है, क्या निरहुआ जीत पाएंगे लोकसभा 2019 का चुनाव। 23 मई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और साथ ही साथ निरहुआ के अगर बयानों पर नजर डाली जाए तो निरहुआ का कहना है कि 23 मई को जनता जो है जवाब दे देगी अखिलेश को। अब देखते हैं कि जनता आखिरकार किसको जवाब देती है, जनता किसके साथ है, किसका जनता ने समर्थन किया है, आजमगढ़ में 12 मई को हुए चुनाव में किसको उन्होंने वोट डाला है, इस बारे में पता लग ही जाएगा 23 मई को।
खैर तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।